माइकर पाठशाला ओवरसीज, हाउ आर यू ऑल। सो आप देख रहे हैं कि दो वीडियोस जो अपलोड हुई हैं, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज केटर कर रहे हैं, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स आप परस्यू करना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको भी नॉलेज हो जाए कि विच यूनिवर्सिटी इज गुड, हाउ दे कैन परस्यू विद देयर बजट। आज जिस यूनिवर्सिटी की हम जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज हेलेनिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सो इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज हैविंग टू कैंपस, वन इज इन एथेंस ग्रीस एंड सेकेंड इज इन नाशवा। सो इधर हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एथेंस कैंपस, राइट। सो दिस यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड इन 2004, 19 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है ये। अब सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो कंसर्न होता है, दैट इज फॉर द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इसमें जितने भी कोर्सेज हैं सब इंग्लिश टॉट हैं, इवन इफ जो आपका कम्युनिकेशन है विद अदर पीपल, दैट इज ऑल्सो इन इंग्लिश। सो दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिसर्च, मतलब एन नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स और एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं साइकोलॉजी से, लिंग्विस्टिक्स से और कल्चरल स्टडीज से, तो उनको यहाँ पे रिसर्च सेंटर में लेके जाया जाता है और उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। लाइक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर किसी को एक्सपोजर चाहिए तो वो क्या करेगा। सो दैट इज द रीजन दिस यूनिवर्सिटी हैज द टाई अप, और वहां पे स्टूडेंट्स जाते हैं और वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई दिस यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मली हमें दूसरी कंट्रीज में जाना होता है, हमें लैंग्वेज बैरियर बहुत आते हैं और हमें उनकी लैंग्वेज सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेट आप इंग्लिश में करेंगे, पढ़ाई आप इंग्लिश में करेंगे, तो दिस इज सॉर्टेड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। सेकेंडली हम बात करते हैं, सेकेंडली दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड बेस्ड लिबरल आर्ट्स एजुकेशन विच अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो स्टूडेंट्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी, और सबसे बड़ी बात, जिन स्टूडेंट्स को अब प्री डिसाइडेड नहीं होते कि उनको किस फील्ड में जाना है, कैसे अपना फ्यूचर परस्यू करना है, बहुत डाइसी होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, उनको कुछ समझ नहीं आता कि उनके करियर प्लान्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होगा कि येस यू वॉन्ट टू परस्यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हो, आप थ्योरिकल बेस पे देख सकते हो, तो आप इस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू विल गेट अ चांस टू स्टडी इन शेंगेन एरिया। तो वैसे भी आपको पता है शेंगेन वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपको ये चांस मिल रहा है कि आप शेंगेन एरिया में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आइल्स देना मैंडेटरी नहीं है। आपका कोई भी प्रोफिशिएंसी होगा वो चलेगा। नॉर्मली यहाँ पे ये नहीं है कि आप आइल्स पे ही आपका फोकस करना है, और अगर आपका आइल्स नहीं भी है तो आपका MOI होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस पर भी काम हो जाएगा। गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई इशू नहीं आता रिगार्डिंग योर गैप एंड एज क्राइटेरिया। 12th में ओनली आपको 50% रिक्वायर्ड रहते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी परस्यू कर सकते हैं इन हेलेनिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट ऑल कोर्सेज आर केटर्ड, आप किस पे अपना परस्यू कर सकते हैं। बीए साइकोलॉजी में आप परस्यू कर सकते हैं, बीए अप्लाई लिंग्विस्टिक्स में कर सकते हैं, बीएससी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज वेयर यू कैन परस्यू। ट्यूशन फीस फॉर पीजी कोर्सेज इज 9500 USD, एंड यही यूजी में आपका जो ट्यूशन फीस रहता है, दैट इज 10,000 USD। दिस इज आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट पर ईयर ट्यूशन फीस, ये जो कि अप्रॉक्स मैंने आपको बताया है। इसमें कोई भी आपका मील इंक्लूड नहीं है, अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है, आपका ट्रेवल इंक्लूड नहीं है। दिस ओनली एंड ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको ITR रिक्वायर होगी, जिसमें आपको 10-12 lakhs तक का आपको अमाउंट शो करना है, और इसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट रहेगी दैट इज ऑफ 3 months। 10-12 की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, प्लस आपको इंग्लिश प्रोफिशियंसी का रिक्वायर होगी। इंग्लिश प्रोफिशियंसी नहीं है, MOI से भी काम चल जाएगा। थर्ड आपका CV एक फॉर्म होता है, CV में आपका फोन नंबर, ईमेल ID, आपका जेन्युइन जो आप यूज करते हैं वही होनी चाहिए। और जब आप गैप, अगर अपने गैप गैप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गैप जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो
इसमें ITR की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती। सेकेंडली, आपका इस यूनिवर्सिटी में पहले इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड वीजा यहाँ पे 100% आपको वीजा मिल जाता है। सो लास्टली, अब हम बात करते हैं कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं, आप कैसे परस्यू कर सकते हो। सितंबर इनटेक अवेलेबल है इसमें, जून इनटेक अवेलेबल है, फरवरी इनटेक, फरवरी फॉर 2024। सो टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, जल्दी से जाइए चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट अगर आप अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड का भी फ्यूचर बनाइए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।